किसी भी तरह का भ्रम, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो या जीवन में हो, उसका जो मूल कारण है, जड़ है, रूट है, वो ड्यूअलिटी है। जैसे धरती के एक टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान, वो बीच में जो रेखा है वो जीवन भर कलेश का कारण हो जाएगी। ठीक ऐसी ही एक रेखा जीवन में भी खींच देते हैं, जीवन को टुकड़ों में बांट देते हैं कि एक हिस्सा स्पिरिचुअलिटी और दूसरा हिस्सा साधारण जीवन। तो ऐसे ही दो हिस्सों में झगड़ा होगा, दो लोगों में, दो देशों में। जो झगड़ा है वो इस बुनियादी भूल के कारण है, और कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, मेडिटेशन के साथ बहुत सी ऐसी चीजों को जोड़ दिया है। जैसे जैन योगा की बात करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे सेंटर्स की बात की जाती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, या कुछ लोग आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की बातें करते हैं, फिर कुंडलिनी है, थर्ड आई है, और इन चीजों को इतना ग्लोरीफाई किया गया है, अलौकिक अनुभव होंगे, विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, यहां तक कि दूसरे के विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये बातें बहुत ज्यादा दिलचस्प लगती हैं, भीतर बहुत से डिजायर पैदा करती हैं। फिर एक भेड़ चाल में बहुत से लोग पहले से ही लगे हुए हैं। अब कुछ लोगों को पता है कि मार्केट है, तो वो कोर्स बना बना कर बेचते हैं। अब जिस व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी का इतना पता ही नहीं है, उसकी तो ये बातें दिल को लग जाएंगी। फिर कौन नहीं चाहता अपने जीवन से भागना? फिर उस भागने को संन्यास बोल देना, वो खुद को तसल्ली देना होगा, खुद को पागल बनाने जैसा होगा। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात की थी, मेडिटेशन, जिसमें कुछ बातें ऐसी कही गई जिनमें कुछ लोगों को ठेस पहुंची, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, अपनी बातें भी रखी। वीडियो बनाते वक्त ये स्पष्ट था कि ऐसा होगा। जिस भी किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है, अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहेगा, हालांकि अगर बड़ी ही गहराई से समझा जाए तो खिलाफ कुछ भी नहीं था, लेकिन सत्य किसी की आस्था की चिंता नहीं करता, क्योंकि किसी भी ध्यान विधि को ध्यान ना कहना, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, कि वो ध्यान नहीं है, तो एक बड़ी जो उम्मीद लगाई हुई है उस विधि से, वो एक बड़ी उम्मीद टूट जाती है, वो है इनलाइटनमेंट या परमात्मा को जानने का बड़ा डिजायर, तो भेड़ चाल का अंत हो जाता है। फिर चाहे वो डिजायर पैसे के पीछे भागना हो, सेक्स के पीछे भागना हो, या फिर इनलाइटनमेंट के पीछे भागना हो, इन तीनों चीजों में एक चीज एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे भागने का डिजायर। वो अलग बात है कि अगर कुछ लोग इस सत्य से मुंह फेर लेना चाहते हैं, अगर हम अपने आप से ही एक ईमानदारी से सवाल करें, क्या क्या बिलीफ इकट्ठा किए हुए हैं हमने इनलाइटनमेंट के प्रति, अगर उसकी एक लिस्ट बनाएं, और वो जो लिस्ट होगी वो डिजायर को हमेशा ही
जिंदा रखने का काम कर रही है। वो लिस्ट मदद करती है जीवन को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं दोहराऊं, किसी भी तरह की टेक्निक, ध्यान की विधि दिमाग को डल बनाती है। एक व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है जिसमें आज तक जो ध्यान विधियां बनाई गई हैं वो सब रिजेक्ट कर देता है, या आगे जो पैदा होगी ध्यान विधियां उन्हें भी। ये बात रखना कोई आसान काम नहीं है। क्या इस बात से ये स्पष्ट होता है कि कृष्णमूर्ति मेडिटेशन के खिलाफ है? लेकिन बात कुछ अलग है। कृष्णमूर्ति ध्यान या मेडिटेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे सूर्य एकदम स्पष्ट है, वैसे ही कोई भी टेक्निक ध्यान नहीं है, ये बात भी उतनी ही स्पष्ट है। फिर वो ध्यान की टेक्निक कोई भी हो, आनापानसति योग हो, विपस्ना हो, या आज तक जितनी भी टेक्निक बनाई गई या आगे बनाई जाएंगी, कोई भी टेक्निक ध्यान नहीं हो सकती। पहली बात तो ध्यान को किया ही नहीं जा सकता। जब ध्यान को किया ही नहीं जा सकता, फिर ध्यान को करने वाला कैसे हो सकता है? ये जो भ्रम है, ये डुअलिटी के कारण होता है। किसी भी तरह की प्रैक्टिस के अंदर ध्यान हमेशा ही दूसरी चीज बन जाता है। एक ध्यान को करने वाला और दूसरा ध्यान, ये डुअलिटी है। वो व्यक्ति कहता है वो कल सुबह ध्यान करेगा। जैसे ही वो कहता है कि वो कल सुबह ध्यान करेगा, क्या ये बात फ्यूचर की नहीं की जा रही? क्या ध्यान और उस व्यक्ति के बीच एक रात का फासला नहीं आ जाता? अगर वो कल सुबह 5 या 10 मिनट या आधा घंटा, जितना समय भी वो ध्यान करता है, क्या उस व्यक्ति के लिए वही आधा घंटा सब कुछ नहीं हो जाता और बाकी का जीवन व्यर्थ हो जाता है? क्या वो व्यक्ति बाकी के जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण मान सकता है कभी, जितना वो उस आधे घंटे को मानता है? नहीं, वो नहीं मानता उस जीवन को। लेकिन उसकी पूरी कोशिश उसी जीवन से भागने की होती है। और फिर वही व्यक्ति सवाल करता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? ये बात उल्टी नहीं मालूम पड़ती? जिस जीवन से वो भागना चाहता है, स्वाभाविक बात है कि वो उस जीवन को जानता नहीं है या जान नहीं पाएगा। तो ये सवाल आएगा ही कि जीवन क्या है। दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति ये सवाल थोड़ी करता है कि दिल्ली क्या है, या किसी फल को खाने वाला व्यक्ति ये सवाल थोड़ी करता है कि फल क्या है। और जितनी भी तमाम मुश्किलें परेशानियां आती है, वो उसी जीवन से उठ के आती हैं। ये जो भ्रम पैदा होते हैं, या फिर किसी टेक्निक को ही ध्यान मान लेना, वो डुअलिटी के कारण है। क्योंकि जब जब व्यक्ति ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व्ड से सेपरेट करता जाएगा, इस तरह के भ्रम होते रहेंगे। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व का बोध होते ही हर तरह का भ्रम मिट जाता है।
क्योंकि भ्रम को पैदा करने वाले का स्वभाव पता चल जाता है। तो आज हम थोड़ा सा ध्यान और ध्यान विधियों के ऊपर बात करेंगे। किसी भी तरह की टेक्निक दिमाग को डल कैसे बनाती है, क्योंकि उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। दिमाग एक मशीन की तरह काम करने लगता है, मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल यानी ऐसे कि वो एक सर्कल में घूमने लगता है, उसकी एक रूटीन बन जाती है, वो एक आदत बनना शुरू हो जाती है। एक टेक्निक कहती है कि श्वासों को ही देखना है या माथे के बीच ध्यान करना है। ये जो बात की जा रही है, इसे मैं अपने अनुभव से कर रहा हूं। बहुत सी ध्यान विधियां ट्राई की है पहले। कुछ लोग जो पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिनमें बात की थी कि कंसंट्रेशन और ध्यान में क्या अंतर है। क्या किसी भी टेक्निक के अंदर हम कुछ ना कुछ कर नहीं रहे होते? क्या श्वास पे ध्यान लगाना एक तरह की कंसंट्रेशन नहीं है? क्या ये एक तरह की प्रैक्टिस नहीं है? क्या ये एक तरह की क्रिया नहीं है जिसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही विचार बीच में आया, वो प्रक्रिया टूट जाती है, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन उस विचार के ऊपर चले जाती है। अगर जरा सी कोई आवाज कर दे तो कंसंट्रेशन वहां चले जाती है। क्या जिस व्यक्ति ने कोई आवाज की, शोर किया, उसके प्रति नफरत नहीं होने लगती कि वो ध्यान में बाधा बन रहा है? क्या भीतर ये भाव पैदा नहीं होता कि ध्यान टूट गया? टूटा किसकी वजह से? किसी ने शोर किया या कोई विचार आ गया बीच में? अगर किसी व्यक्ति के बिलीफ के हिसाब से श्वासों पे ध्यान लगाना ध्यान है, तो वो विचारों पे ध्यान लगाने से टूट कैसे गया? क्योंकि श्वासों पे भी अगर ध्यान लगाया जा रहा था, अब विचारों पे ध्यान लग रहा है, तो उसमें कुछ तो अंतर कहाँ पे है? जैसे ही किसी व्यक्ति ने शोर किया, आवाज की, अब ध्यान वहां पे चला गया। इन तीनों चीजों में अलग क्या है? एक ध्यान लगाने वाला है, यानी हालांकि ये ध्यान है नहीं, ये एक कंसंट्रेशन है। एक व्यक्ति कंसंट्रेशन कर रहा है श्वास के ऊपर या माथे के बीचों बीच। जैसे ही एक विचार आया, कंसंट्रेशन विचार के ऊपर शिफ्ट हो गई और फिर वही कंसंट्रेशन किसी आवाज पे शिफ्ट हो गई। तो इन तीनों चीजों में कुछ अलग क्या है? यह बात तो एक ही तरह की है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ नहीं होता? तो ऐसा तो जागते, उठते, बैठते भी किया जा सकता है। तो कुछ लोगों को एक भ्रम होता है, उन्हें थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव होता है। ये ठीक वैसी बात है जैसे एक फिल्म देख रहा है कोई व्यक्ति, थोड़े समय के लिए जीवन की कुछ प्रॉब्लम से अलग हो गए, यानी जीवन की जो तमाम मुश्किलें थी, वहां से कंसंट्रेशन शिफ्ट होकर मूवी पे चले गई। लेकिन उससे जीवन की तमाम मुश्किलें वहीं की वहीं हैं। अब ये तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बात हो गई। क्या किसी भी टेक्निक को दोहराते हुए
उस व्यक्ति को खुद को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि वो ये वाली विधि या इस टेक्निक को दोहरा रहा है। तो इसमें फ्रीडम कहाँ है, व्यक्ति मुक्त कहाँ है? जैसे एक व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, ये एक तरह का दिमागी श्रम व्यक्ति करता है, ये ध्यान कैसे हो सकता है? ये एक टेक्निक हो सकती है लेकिन ये ध्यान नहीं हो सकता। क्या इस टेक्निक के दौरान मैं जिंदा नहीं रहता? ये मैं वही है जो कहता रहता है, मैं जान रहा हूं, मैं सत्य को जानूंगा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऑब्जर्वर, थिंकर, एनालाइजर, बिलीवर, डूअर, इसमें सब आ जाते हैं। उस विधि को करते हुए क्या इस बात का पता नहीं होता कि ये वाली टेक्निक की जा रही है? तो इस विधि के दौरान उस विधि का पता होना कि ये कौन सी विधि है, अब ये टेक्निक जो है इसका पता होना कि ये वाली टेक्निक है, इसका पता किसे होता है? क्या सीखने वाला, जिसने कभी ये टेक्निक सीखी थी किसी दूसरे से, क्या वो उसी टेक्निक को नहीं दोहरा रहा? क्या इस बिलीफ को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा ध्यान का नाम देकर? क्या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व की हुई चीज, सीखी हुई चीज को नहीं दोहरा रहा? वरना फिर भीतर कौन है जिसे ये पता चल रहा है कि वो ये वाली टेक्निक कर रहा है? क्योंकि उस टेक्निक को पहचानने के लिए मेमोरी में से जो नॉलेज मेमोरी में इकट्ठा की हुई है, उस टेक्निक या ध्यान विधि के प्रति पुराने अनुभव से वेरीफाई करना पड़ेगा उसके साथ। फिर वो व्यक्ति कह सकता है कि वो ये वाली टेक्निक कर रहा है। मैं जान रहा हूं कि ये टेक्निक है और मैंने वेरीफाई भी कर लिया पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये बड़ी ही गहराई में एक तरह का कार्य चल रहा है, एक तरह की डूइंग चल रही है, एक तरह की क्रिया है। अगर कोई इसे ध्यान मान बैठा है तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है कि ऐसा कुछ आंखें बंद करके किया जाए या किसी से बात करते हुए ऐसा कुछ किया जाए। कृष्णमूर्ति तो बीच में ये कह देते हैं कि काश कि तुम जान पाते कि क्या कहा जा रहा है। क्या देखने वाला, जो पहले देखा गया, वही नहीं दोहरा रहा? क्या हम इसे देख पा रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है? पहले तो इस बात को स्पष्ट करें अपने जीवन में। क्या कोई भी टेक्निक ध्यान हो सकती है या ध्यान टेक्निक से बहुत आगे की बात है? यहां तक के हमने जो योग सूत्र पे बात की थी, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके बाद ध्यान, फिर समाधि, ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हैं। क्या जिस वक्त कोई व्यक्ति कोई टेक्निक को दोहरा रहा है, क्या वो अपने ही बिलीफ को जी नहीं रहा? तो फिर ये ध्यान कैसे हो सकता है? ध्यान कभी भी टूट नहीं सकता, टेक्निक टूट सकती है। कॉन्सेंट्रेशन या कोई टेक्निक, ये दोनों एक ही बात है, और कॉन्सेंट्रेशन टूट ही जाती है, उसे टूट ही जाना चाहिए, ताकि इससे पहले वो माइग्रेन या सरदर्द में बदल जाए। क्या इस टेक्निक को दोहराते वक्त
जो किसी ने कहा कि ये ध्यान है, या तुमने ही मान लिया कि वो ध्यान है, या किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि वो ध्यान है, क्या वो बस अपने ही बिलीफ को प्रैक्टिस नहीं कर रहा उन 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर? तो इसमें नई बात क्या हुई? ध्यान किसी भी टेक्निक पे निर्भर नहीं करता। ध्यान में, टेक्निक में दिमाग डल हो जाता है, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। क्या ऐसे मशीन की तरह हो जाना ध्यान है? अगर ध्यान करते हुए किसी व्यक्ति को ये होश रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ये तो एक तरह की ड्युअलिटी है। क्योंकि अगर वो इस बात को पहचान रहा है कि ये ध्यान है, तो ये जो पहले उसने ऑब्जर्व किया है, वो इस वाले ध्यान को पहले के ध्यान के साथ कंपेयर करके देख रहा है, तो ये भी एक तरह का कार्य है, एक तरह की डूइंग है, एक तरह का एक्ट है। क्या ध्यान एक छोटी सी नैरो चीज हो सकती है जो एक टेक्निक है? अगर कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को जान लेता है कि देखने वाला वही है जो पहले देखा गया, क्या ऑब्जर्वर वास्तविक में है या वो बस एक भ्रम है? क्या जैसे ही ऑब्जर्वर का पता चलता है, उसकी इल्यूजन का पता चलता है, क्या उसके साथ सभी बिलीफ नहीं मिट जाते? तो फिर टेक्निक दोहराने वाला कहाँ बचता है? फिर ध्यान 5 या 10 मिनट है, ये भी कहने वाला कहाँ बचता है? कुछ लोग इस वीडियो को गलत इंटरप्रेट करेंगे। कोई भी टेक्निक ध्यान नहीं है, वो बस एक टेक्निक है। टेक्निक के अंदर मुक्ति नहीं है। अगर टेक्निक ध्यान है, तो अगर किसी व्यक्ति ने उसे आज नहीं किया, क्या वो एक चिंता का कारण नहीं बन जाएगा? ध्यान चिंता का कारण कैसे बन सकता है? या किसी को यही चिंता होने लगे कि जल्दी घर जाना है, शाम को भी ध्यान करना है, फिर ये तो एक तरह की ड्यूटी हो गई। ये एक मशीन की तरह काम करना नहीं हो जाता? क्या टेक्निक को सीखने वाला ऑब्जर्वर नहीं है? क्या ऑब्जर्वर ये भ्रम पैदा नहीं कर सकता कि ये जो हो रहा है वो ध्यान है, मैं ध्यान कर रहा हूं? ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व्ड से सेपरेट करके देख पाना ही भ्रम का कारण है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर का पता चलता है कि ऑब्जर्वर वास्तविकता में नहीं है, उसके होने का भ्रम पैदा होता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज वही तो था। अगर एक बिलीफ को खत्म कर दिया जाए, तो बिलीवर कहाँ गया? जैसे ही उस मैं का पता चलता है जो चीजों को सत्य मानकर करने लगता है, जब वो मैं ही नहीं बचता, तो ये कैसा बोध है? क्या बिना ऑब्जर्वर के कोई जिंदा रहता है? फिर वो बोध कैसा है बिना ऑब्जर्वर के? क्योंकि ऑब्जर्वर ही टेक्निक को सीखता है, ऑब्जर्वर ही टेक्निक को दोहराता है, ऑब्जर्वर ही बिलीव करता है। क्योंकि बिलीव करने वाले में और बिलीफ में जरा सा भी अंतर नहीं, वो दोनों एक ही बात है। अगर ध्यान एक टेक्निक है, तो वो तुम या तो सुबह कर चुके होगे, जो कि एक पास्ट है,
या तुम शाम को या कल करोगे, जो कि एक फ्यूचर है, और दोनों का सत्य से कोई भी संबंध नहीं है। क्या बिलीफ और बिलीवर में कोई फर्क है? क्या बिलीफ के साथ बिलीव करने वाला नहीं मिट जाता? फिर वो दो अलग कैसे थे? अंधेरे में भूत है, अंधेरे में जाकर देख लिया, बिलीफ मिट गया, क्या अभी कोई भीतर बचा है बिलीव करने वाला कि अंधेरे में भूत है, या वो बिलीव के साथ ही मिट जाता है? फिर वो दो अलग कैसे हुए? क्या अपनी ही कंडीशनिंग के प्रति जागृति आ जाना और ये देख लेना कि देखने वाला वही है जो पहले देखा जा चुका है? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। क्या इससे जो बोध या क्लैरिटी मिलती है, जिसमें जीवन की कोई भी चीज अनछुई नहीं रह जाती, क्या ये अपने आप में एक ध्यान नहीं है? क्या किसी चीज में बंधना ध्यान हो सकता है? क्या हमें पता है बिलीव्स कैसे इकट्ठा होते हैं हमारे अंदर? क्या एक मैकेनिकल माइंड में जो व्यक्ति एक मशीन बन चुका है और जो एक जागृति है जिसमें जीवन है, जो जीवंत है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जो अलर्ट है, जिसपे बिलीव के धूल का एक भी कण नहीं है, क्या इन दोनों के बीच कुछ अंतर है? क्या हमें बोध है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड एक ही बात है? अगर इसका बोध है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि ध्यान क्या है, क्योंकि ये बोध होते ही सेपरेटनेस मिट जाती है, ड्यूअलिटी मिट जाती है, कि भोजन करने में या कोई टेक्निक करने में जरा सा भी अंतर नहीं है, बस वो बिलीफ है कि भोजन करना टेक्निक नहीं है और दूसरी वाली टेक्निक है, जबकि दोनों अगर बड़ा गहराई से देखा जाए तो दोनों एक ही बात है। अपने आप से पूछें, क्या एक टेक्निक को ध्यान कहना सही है? लेकिन कुछ लोग तो इसे मान ही चुके हैं। अगर कोई इसे मान ही चुका है तो इस स्पिरिचुअलिटी की मार्केट में बेचने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि खरीदारों की संख्या बहुत ज्यादा है।